राइच में भेड़िया गैंग का आतंक अभी लगातार बना हुआ है। आतंक का पर्याय ये भेड़िया गैंग बन चुका है। अब भी आदमखोर टीम की पकड़ में नहीं आ पाए हैं। शुक्रवार को भी दिनभर वन विभाग की टीम आदमखोर को ढूंढती रही, मगर भेड़िया हाथ नहीं लग पाया। रात के वक्त गांव के लोग अब भी सतर्क रहे। आज भी टीम एक बार फिर फील्ड पर उतरेगी। आपको बता दें, कई जिलों में जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं अब लगातार सामने आ रही हैं। 25 से 30 गांव में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कछार क्षेत्र में पैदल कॉम्बिंग भी की जा रही है। तराई से शहरी इलाके तक भेड़िये की दहशत बरकरार है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, तो वहीं कई जिलों में जंगली जानवरों के हमले की तस्वीर सामने आई। बहराइच में भेड़िये की तलाश जारी है। कौशाम्बी में 3 दिन में 5 हमलों की खबर है। जंगली जानवरों ने अब तक बच्चे समेत 4 लोगों पर अटैक किया है। गांव वालों का दावा है कि भेड़िये ने हमला किया है, जबकि वन विभाग के अधिकारी इसे सियार और लकड़बग्घा होने का दावा कर रहे हैं। चंदौली में जंगल से सटे गांव में जंगली जानवर ने 2 लोगों पर हमला किया, जिसके बाद वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है। बरेली में भी जंगली जानवर ने एक महिला पर अटैक कर दिया। अंबेडकर नगर के पियारेपुर गांव में जंगली जानवरों के झुंड ने सो रहे लोगों पर अटैक कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने जंगली जानवर को भेड़िया समझकर पीट पीट कर मार डाला, लेकिन बाद में पता चला कि वो भेड़िया नहीं, सियार था। बहराइच के जिन इलाकों में दहशत है, जहां पर भेड़ियों के हमले हो रहे हैं, उन इलाकों के खुले घरों में सरकार ने दरवाजे लगवाए हैं और अंधेरी गलियों में सोलर लाइट्स। अब रात में लोगों को इन सुविधाओं से कितनी राहत मिलती है, लाइट समय से सही काम कर रही है या नहीं, देखिए कुलैला गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। सोलर लाइट गांव-गांव लग रही है और कुलैला गांव में भी कई सोलर लाइट्स लग चुकी हैं। हम ये चेक करेंगे कि क्या अब रात के अंधेरे में ये सोलर लाइट्स जल रही हैं या नहीं जल रही हैं। सबसे पहले इस तरफ की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कुलैला गांव का ये नजारा है, और इधर घुप अंधेरा नजर जरूर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें गोपी दिखाइए कि किस तरह से अब यहाँ कई सोलर लाइट्स लग चुकी हैं। अब यहाँ लोग जो खुले में सोते हैं, खुले में सोने को मजबूर हैं यूं कहें तो, अब उनके लिए बेहद राहत की बात हो गई। इस दादा को भी दिखाइए किस तरह से दादा लाठी के सहारे, अपने पोते के सहारे चल रहे हैं। नजरों से साफ दिखता नहीं है और सोचिए इनके दिल पर क्या बीतती होगी, ये देख भी नहीं सकते। और एक बच्चे को इस तरह से साथ लेकर के चलते हैं, बच्चा अलग डंडा लेकर चलता है और दादा अलग लाठी थामे हुए हैं, आंखों की रोशनी नहीं है, और ये इनके दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। और ये देखिए यहाँ की तस्वीर हमने दिखाई थी कि ये सोलर लाइट आज सुबह हमने कवर किया था कि सोलर लाइट्स गांव में लग चुकी हैं। हम देखना चाहते थे कि क्या सोलर लाइट्स लगी जो हैं उनमें रोशनी आई कि नहीं आई, लेकिन रियलिटी चेक में इस वक्त सभी सोलर लाइट्स कुलैला गांव की जलती हुई नजर आ रही हैं, जो बेहद अच्छी बात है। और जितनी भी सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं, उन सोलर लाइट्स को ऐसे ही शाम होते ही जल जाना चाहिए। और ये किशन का घर है और इसी घर पर भेड़िये ने अटैक किया था और किशन को माँ की गोद से छीन कर ले गया था, और उसका शव इनके मकान के ठीक पीछे गन्ने के खेत में ही मिला था, और इधर से भेड़िया आया होगा ऐसा गांव वाले कहते हैं। जबकि ये दरवाजा लग चुका है, उजाला हो चुका है, तो थोड़ी राहत जरूर मिली है। कम से कम और के साथ ये हादसा इस तरह का ना हो, है ना, किसी और के साथ अब इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सरकार कदम उठाए, यही कहना चाहेंगे आप। बहुत दुख भरी घड़ी है और ये सारे बच्चे देखिए किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं ऐसे ही। दादी आप क्या कहेंगी, अब यहाँ दरवाजा भी लग गया, आप रो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं और आंसू सूख चुके हैं, अब आंसू भी नहीं निकलते, इतना दर्द है, अथाह दर्द है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि बेटे को खोने का गम क्या होता है। जब ने गली निकला वही गली चेत करो, जब गुण कही गिरता ही गिरता उदाद करो भैया, जिसका दिन बीत जाते किसान हमारे चले गए सबसे ठीक रहा है।
लगा तो रहा है उनके बोले। अच्छा दादी रोइए मत, रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं, आपके दुख में शरीक हैं, आप बिल्कुल परेशान। अब भाई ये तो है ही, अब घर का चिराग तो था ही और वो नहीं रहा, भेड़िया के खौफ की वजह से नहीं रहा, लेकिन अब जबकि ये रोशनी जल गई है, अब किसी और के साथ ये हादसा ना हो यही प्रार्थना करती है कि किसी और के साथ ये ना हो। किसी के अब न हो चाहिए सर, जौनी है इनका नेक राख है और अब उतना न हो जाते जिंदगी में आए बाबा कहो तो चूक हो गए नहीं भैया कहो लुकवा ली। लाइट लगने से कितना राहत मिली है गांव वालों को? राहत मिली है, उजेला है तो सब दिखात है हाँ। और अंधेरा रहा है तब तो उठा लेगा। अच्छा लाइट की क्या स्थिति है गांव में? लाइट तो आवत है, आवत है, अभी लाइट आ रही है इस वक्त? अभी आ रही है तो अब गए है, अभी गई है। अच्छा अभी गई है तो कब तक आएगी लाइट? घंटा खान बाद आएगी। तो घंटा खान बाद आ जाती है, मतलब रात में लाइट रहती है, रात है। और अब सोलर लाइट भी जलेगी तो ठीक ठीक रहेगा। दूसरी गली की तरफ हम चल रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए एक लाइट लगाई गई थी, हम वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या